नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो धन संपत्ति देने वाला राजयोग है, जो धन योग है। मित्रों, ये राजयोग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएँ उसे मिलती है। मित्रों, ये पुरुष जातक की जन्म कुंडली में बनने वाला राजयोग है। इस राजयोग को कैसे देखेंगे तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। मित्रों, ये राजयोग देखने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि लग्न भाव का स्वामी कौन है। आपकी जन्म कुंडली में जो ये पहला खाना होता है, पहला भाव है, इस भाव का स्वामी लग्नेश कहलाता है। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और लग्न भाव का स्वामी होता है लग्नेश। तो आपको पता करना होगा कि यहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब मित्रों, ये देखेंगे कि जो मंगल है वो एक नंबर और आठ नंबर जो राशि होती है उसका स्वामी है। तो इसी तरह आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी राशि है। तो दो नंबर और सात नंबर का स्वामी होता है शुक्र, नौ नंबर और बारह नंबर का स्वामी है गुरु। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। मान लीजिए यहाँ पर ग्यारह नंबर है, 11 नंबर यहाँ पर लिखा है। तो 11 नंबर जो राशि है, 11 नंबर राशि होती है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी है शनि। तो इस भाव के जो स्वामी होंगे वो शनि होते हैं, यानी इस जन्म कुंडली में लग्नेश जो है वो शनि है। अब मित्रों, शनि जो है वो आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर विषम राशि होनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियाँ हैं, विषम नंबर है। अब आपकी जन्म कुंडली में शनि जहाँ पर बैठे हो तो आपकी जन्म कुंडली में शनि यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश जो है वो विषम राशि में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जहाँ पर विराजमान हो वहाँ पर भी विषम राशि हो, यानी आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश और सूर्य और चंद्रमा ये तीनों विषम राशि में विराजित हो जाए, विषम राशि में विराजमान हो जाए, तो ये धन योग आपकी जन्म कुंडली में बनेगा। मित्रों, समझ गए होंगे, जैसे कि ये कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है तो कुंभ लग्न की कुंडली इस तरह होगी। यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह होगी। अब आपकी जन्म कुंडली में इस भाव का स्वामी जो है शनि है वो यहाँ पर बैठा है, और आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, यानी विषम राशि में चंद्रमा है और विषम राशि में ही सूर्य है। तो इस स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश, सूर्य और चंद्र ये तीनों विषम राशि में स्थित है, इस वजह से आपकी जन्म कुंडली में ये धन योग बन रहा है जो कि अपार लक्ष्मी देने वाला है, सुख सुविधाएं देने वाला है। तो मित्रों, ये जानकारी थी इस योग के बारे में जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे और इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे। कमेंट करके अवश्य बताना कि इनमें से कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में विषम राशि में बैठा है, या तीनों ग्रह विषम राशि में बैठे हैं इस धन योग को बना रहे हैं, अवश्य बताना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।